श्री मूलचंद शर्मा ने बताया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या बढ़ाने के लिए काम जारी है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में 800 बसों की मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जा रहा है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा अभी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। शर्मा जी, जिस तरह से हरियाणा में बसों की शक्ति बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आने वाले समय में जो हरियाणा रोडवेज का जो बेड़ा है तकरीबन पूरा करने जा रहे हैं। 800 बस हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गुड़गांव में और 800 बस हम लेने इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेने जा रहे हैं। आने वाले समय में हम तकरीबन 100 बस जितना बेड़ा है रोडवेज उसे पूरा करेंगे। जिस तरह से मंत्री जी बस पोर्ट बनाने की योजना थी हरियाणा में, वो योजना कहाँ तक सक्सेस हो पाई है? जल्दी पूरा करेंगे। कोविड के समय 2 साल लगे, इसके कारण नहीं करवाए, पर जल्दी हम सब पूरा करेंगे। जिस तरह से खनन के लिए कुछ दिशा निर्देश किए, ये अधिकारी फील्ड में जाए? अभी खनन बंद है, 30 तारीख के बाद माइनिंग बंद है और हमने माइनिंग को रोका है और बारिश के समय माइनिंग बंद है। जहाँ भी इस तरह का हरियाणा में माइनिंग नाम मात्र है, नाम मात्र कुछ भी नहीं है। पर क्या है कि शोर बाजार डंका बहुत है और हमने माइनिंग को 2 गुना करा है। पहले 450 करोड़ था, आज 1000 करोड़ कर दिया हमने। माइनिंग घटी है, रेवेन्यू बढ़ा है। जिस तरह से आप विदेश गए, मोहनलाल जी भी साथ थे, तो वहाँ पर हरियाणा के लिए नया क्या होने वाला? इलेक्ट्रिकल भी पॉल्यूशन फ्री करेंगे, इलेक्ट्रिकल बस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, 2-व्हीलर 3-व्हीलर 4-व्हीलर इस सब पर कब तक हो पाएगा? जल्दी। जिस तरह से मंत्री जी ने बताया है कि प्रदूषण रहित वाहनों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्राथमिकता हरियाणा में दी जाएगी और जो सरकारी बसें हैं उन्हें भी प्रदूषण रहित बनाया जाएगा। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत।